शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने वाली है। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों का अत्यधिक महत्व है। नवरात्र के दौरान देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर एक दिन देवी के एक अलग रूप की उपासना करने से भक्त को अलग अलग रूपों से आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिलता है। नवरात्रि में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये सभी माँ के 9 स्वरूप हैं। प्रथम दिन घट स्थापना होती है। शैलपुत्री को प्रथम देवी के रूप में पूजा जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रत और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। शारदीय नवरात्रि 2022 की शुरुआत 26 सितंबर से हो रही है, जो कि 5 अक्टूबर 2022 को दशमी तिथि यानी कि दशहरा के साथ समाप्त हो रही है। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 26 सितंबर को सुबह 3:24 से हो रही है और 27 सितंबर सुबह 3:08 तक रहेगी। शारदीय नवरात्रि 2022 घट स्थापना का मुहूर्त 26 सितंबर को सुबह 6:20 से शुरू होकर 10:19 तक है। शारदीय नवरात्रि कलश स्थापना विधि। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनें, मंदिर की साफ सफाई कर सफ़ेद या लाल कपड़ा बिछाएं। इस कपड़े पर थोड़े चावल रखें, एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दें। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर इस पर कलावा बांधें। कलश में साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालकर आम के पत्ते रखें। एक नारियल लें और उस पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधें। इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए देवी दुर्गा का आवाहन करें। इसके बाद दीप आदि जलाकर कलश की पूजा करें। नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश स्थापित किया जाता है। नवरात्रि पूजा सामग्री: लाल कपड़ा, चौकी, कलश, कुमकुम, लाल झंडा, पान सुपारी, कपूर, जौ, नारियल, जायफल, लौंग, बताशे, आम के पत्ते, कलावा, केले, घी, धूप, दीपक, अगरबत्ती, माचिस, मिश्री, जोत, मिट्टी, मिट्टी के बर्तन, एक छोटी चुनरी, एक बड़ी चुनरी, माता का श्रृंगार का सामान, देवी की प्रतिमा या फोटो, फूलों का हार, उपला, सूखे मेवे, मिठाई, लाल फूल, गंगा जल और दुर्गा सप्तशती या दुर्गा स्तुति। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।